और वहीं कल जयपुर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी कोहराम है। जी हां, खड़गे ने भाषण के दौरान अनुच्छेद 370 की जगह 371 बोल दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया है। उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत हैं, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत मोर्चा संभाला और हमलों की बौछार कर दी। खुद जेपी नड्डा ने भी इस पर सख्त प्रतिक्रिया दी। I would also like to share with you, the Indian National Congress president yesterday was talking about Article 371. He does not understand the difference between 370 and 371. He was talking about 370 and he was quoting 371. Now I would like to know, he said, what you have to do with Jammu, if you have to talk about 370, you talk in Jammu, you talk in Kashmir, why are you talking here? Do the people of Kerala not interested to know that Kashmir is an integral part of the India? Yes. Wait, Congress safai deti hui nazar aayi. Jai Ram Ramesh ne kis tarah se apni baat rakhi, aapko sunwate hain. कहते हैं कि जयपुर में भाषण के दौरान जुबान फिसलने की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गलती से कह दिया कि वो अनुच्छेद 371 हटाने का श्रेय लेते हैं। साफ तौर पर जयराम रमेश प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, पार्टी का स्टैंड रख रहे थे, उस पर सफाई कह लीजिए।